क्योंकि यहाँ पर बोला गया है, यहाँ पर तीन या चार प्रकार से लोग आते हैं। पहले लोग आते हैं अभाव में, मेरे ऐसा व्यक्ति जब मम्मी को हाथ से कपड़े धोते हुए देखते हैं तो अभाव नजर आता है वॉशिंग मशीन का, बोलिए ऐसा लोग। जब घर वालों को देखते हो मटके में पानी पी रहे तो अभाव नजर आता है फ्रिज का, अजी। जब खुद को देखते हो साइकिल जब चढ़ाई पर चढ़ाते हो तो दिक्कत आती है तो लगता है मोटरसाइकिल होनी चाहिए, तो अभाव होता है मोटरसाइकिल का, बोलिए। और जब बारिश के महीने और धूप के महीने के अंदर जब माता जी रक्षाबंधन में मामा के राखी बांधने जाती है तो अभाव होता है एसी की छत का, बोलिए। ये काफी जरूरत महसूस होती है, ये अभाव। तो पहले जो लोग आते हैं बिजनेस के अंदर वो आते हैं अभाव में, एक तरीके से लोग आते हैं अभाव में। पहले लोग आते हैं अभाव में और दूसरे लोग आते हैं किसी ना किसी प्रभाव में। किसके माते किसकी बात है? प्रभाव में। प्रभाव से लोग चले जाते हैं। आज प्रभाव हुआ इन पर, आज घनश्याम सर का प्रभाव हुआ उनका, जिनके बारे में बता रहे थे इनकी बेटी की शादी उन्होंने रोक कर कन्या विद्याधन से ज्वाइन कराया था और बेटी को होटल से मिला, प्रभाव हो गए, प्रभावित हो गए उनसे। ऑलरेडी पैसा कमा रहे थे, ये अपनी नौकरी से भी अपने जीवन यापन कर रहे थे लेकिन प्रभावित हो गए। ये सब लोग दूसरे आते हैं प्रभाव में, तीसरे आते हैं आपके दबाव में। किसने आते दबाव में? जीजा ने साले को प्लान दिखा दिया, बोले ड्यूटी दे दे तीन नहीं तो बहन को लेकर जा। हेलो आजी, हाँ इधर से लेकर निकल इधर, बोला साहब तीन नहीं छह ले, बोले इसको रख लो, ये दबाव है। एक ऐसा बोला जाता है जो व्यक्ति इस बिजनेस में आते हैं अभाव में, प्रभाव में और दबाव में, उनका पता नहीं टिकेंगे नहीं टिकेंगे, लेकिन ट्रेडिंग ले लेकर जो व्यक्ति आते स्वभाव में वो पक्के ऐसे डायमंड बन जाते हैं। तो मैंने दोस्तों इसको सीखकर करने की कोशिश की। शुरुआत में मेरे को बहुत तकलीफें आई, मैं आपको क्या बोलूं, इतनी तकलीफें आई कि बस सुसाइड करने के लिए गया था एक बार, रुक लिया किसी ने, यमुना का फिर पुल पे खड़ा हो गया था और प्रॉब्लम ये थी मैं सोचा पानी होगा तो तैर कर निकाल लूंगा लेकिन पानी नहीं था। उसने बोला मर के क्या करेगा, फिर वो बचा भी नहीं सकते। मैं सोचा था कोई बचाएगा तो सही, तो बचा गया वहां से। इतना प्रॉब्लम, मतलब जिसको बोलो मुंह पे ना, जैसे ना कोई गाना हो गया चार बोतल बोध का, जिसको बोलो ना, किसी को प्लान देखा ना, फोल्डर खोलने से पहले ना वो देख तो ले। तीन रिक्वेस्ट करो, फोन स्विच ऑफ कर लीजिए, सवाल मत करो ना, उसी समय ओके ओके समझ गया निकल लीजिए। घर वालों ने, परिवार वालों ने और जिगरी यारों ने, अरे वाह यार, यार ऐसे होते हैं जान, भाई की जान आ जाए दोस्त कैसे बोलते हैं, भाई की जान आ जाए जान। डीडी मांगी तो बोला एक काम कर, एक बोतल खून ले ले लेकिन डीडी नहीं दे सकता। ये साला कैसा जा रहा है, ये कैसा जा रहा है भाई, बचपन का यार, संग सोते हम लोग संग खाते, उसकी माँ मेरी माँ, उसकी बहन मेरी बहन, लेकिन मेरी कंपनी उसकी नहीं हो पा रही, ये तो कितनी बड़ी सुई निकाल रहा है। तो मैंने बोला यार कहीं ना कहीं मैं गलत रफ्तार फंस गया हूँ और मुझे इस बिजनेस को नहीं करना चाहिए। मैंने इस बिजनेस को क्विट करने का डिसीजन ले लिया, मैं इस बिजनेस को नहीं कर सकता। लेकिन उसी समय पर कहते हैं कि इस बिजनेस में सेफ शॉप एक ऐसी कंपनी है, यह सिस्टम इतना दमदार है, कंपनी की मैं जवाबदारी पहले लेता हूं उसके बाद जवाबदारी में सिस्टम की जान लेता हूं, क्योंकि सिस्टम की वजह से ही कंपनी मैनेज कंपनी बनी रहती अगर उस समय हम लोग कंपनी तक टिके रहते। लेकिन अगर सिस्टम के फाउंडर लीडर श्री राजीव चतुर्वेदी जी अगर सिस्टम न बनाते तो शानदार अपलाइन हमको न मिलती, और शानदार अपलाइन जब हमको मिली जिन अपलाइनों ने हमको देखा कि बंदा कर नहीं पा रहा है, इसको ऑपरेट करो, इसको मोटिवेट करो, इसको प्रोग्राम के अंदर बुलाइए। इस तरह आपके रविंदर जी ने, पंजेलाल जी ने, जेपी जी ने, राजेंद्र भारती जी ने, धनंजय जी ने, महेश जी ने आप लोग मोटिवेट कर करके यहाँ तक बुलाया हुआ। आप एक बार आइए, अगर इस बार फाइनल नहीं हुआ तो मैं आपको कभी टच नहीं करूंगा, ऐसे मुझको बोला था। आपको बोला, कई लोगों को बोला होगा, ये सब लोग मेरे को बोला इस बार फाइनल आइए आप, इसके बाद मैं टच नहीं करूंगा। मैं गया, मेरे पास गिनती का मैं बता रहा 150 रुपए पड़ा हुआ था, बजट था आराम से, साइकिल 17 पंचर हो चुकी थी। हमारे एक साइकिल बनाने वाले मुबीन भाई है नाली चाणी बैठते हैं अपने सामने, उन्होंने बोला था बाबू अब इस टायर ट्यूब को चेंज करा लो, अभी चल नहीं पाया, और टुकड़े लगा लिए इसके नीचे, टुकड़ा जानते हो टायर का टुकड़ा, मैं भी बिदाई से थोड़ी आया हूँ, कोई साइकिल वाला प्रोडक्ट हूँ भाई, बहुत टुकड़े लगाए साइकिल के टायर ट्यूब के नीचे, लेकिन बोले अब नहीं चलेगा काम, अब तो लगा आप नया डलवाना पड़ेगा। 150 रुपए पड़े थे, एंट्री पास 350 रुपए का था, 200 रुपए उधार लिए अपलाइन से, मैंने बोला सर एक बार काम चला दीजिए, देखते हैं इस बार आगे क्या होता है, मैं दे दूंगा वापस। गया प्रोग्राम में, प्रोग्राम में जब मैं गया वहां पर
मेरे अंदर सामाजिक रूप से एक ईगो था मेरी पढ़ाई का, क्योंकि मैंने बड़ी बड़ी मोटी मोटी किताब पढ़ी है, आरडी शर्मा, आर्यन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिक्स वगैरह, कैलकुलस, ट्रिग्नोमेट्री, बड़ी बड़ी किताबें पढ़ी और बड़े बड़े फॉर्मूले रख रख के हमने मिनटों के जगह सेकंडों में सॉल्व किए, तो लगता था आईआईटी तो बनी जाऊंगा, आईआईटी बनी जाऊंगा, तो पढ़ाई का बहुत एटीट्यूड था। लेकिन एक बात व्यक्ति ने बात बताई कि अच्छी पढ़ाई लिखाई, शिक्षा दो तरह की होती है, एक तो होती है नैतिक शिक्षा, दूसरी होती है औपचारिक शिक्षा। क्योंकि नैतिक शिक्षा जो होती है उससे अगर आप औपचारिक शिक्षा पर फोकस करते हैं तो वो वही है साइन थीटा, कॉस थीटा, पाइथागोरस का प्रमेय, इसको आप कहीं भी लगा लो। जीवन में जब जब आपको प्रॉब्लम आई कि आपका बेटा खराब हो गया या बेटा आपको बात नहीं मान रहा, तो उस पर लगाओ पाइथागोरस प्रमेय, लगाओ क्या? आपकी बीवी आपका कहा नहीं मानती, लगाओ साइन थीटा, वहां लगेगा, बताओ नहीं लगेगा? तो बोले ये काम नहीं आने वाला, जीवन में काम आएगी एक ही शिक्षा, उसका नाम है नैतिक शिक्षा। और कहते हैं एक औपचारिक शिक्षा को अगर आप लेते हैं तो आप सिर्फ एक फील्ड में निपुण हो सकते हैं, उसकी गारंटी नहीं है, लेकिन आप नैतिक शिक्षा में निपुण हो गए तो दुनिया के हर सेक्टर में आप कामयाब हो सकते हैं। ये एक शिक्षा होती है। नैतिक शिक्षा की जरूरत थी मेरे को, मैं फ्राइडे की ट्रेनिंग में गया, उस फंक्शन में मैंने एक चीज देखी कि यहाँ पर सैकड़ों हजारों लोग हैं, हजारों लोग यहाँ बैठे हुए हैं, एक व्यक्ति का प्रमोशन हुआ है यहाँ पर, और प्रमोशन जब हुआ तो मैंने यहाँ पर एक ही चीज देखी, मैं बहुत एटीट्यूड में था, बहुत लोग यहाँ पर भी एटीट्यूड में आ सकते हैं, लेकिन मैं मना किसी को नहीं करूंगा, हर तरह कैलिबर को लेकर बैठे हुए इंजीनियर होंगे, प्रोफेशनल होंगे, दो दो लाख महीने का भी कमाते होंगे, हो सकता है दिन का भी कमाते होंगे, मुझे पता नहीं। लेकिन मैं जब देखा कि बेटा पैसा तो तू कहीं से नहीं कमा सकता है, मैं स्मगलिंग करके पैसा कमा सकता था, मेरा बाप से बोलने वाला था कि तू कर क्या रहा है, बोलिए, और मैं अपनी माँ को बोल सकता था ये ली कार की चाबी, बोलिए, ये सुनो, मैं दे सकता था। लेकिन मेरे पिताजी ने मेरे को और मेरे परिवार वालों, मेरे भाई बहनों को एक ही संस्कार दिया सॉरी कि बेटा किसी के दिल को दुखा के अगर पैसा कमाना हो तो प्लीज आप गरीब रह जाना अच्छा है, और जिस कुर्सी पे आपको बैठने का मौका मिले सामने लोग आपके आपकी अच्छाई के बारे में बतावे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, अच्छा काम जब होगा, जब उस कुर्सी से आप उठ जाओ तब भी लोग आपकी बढ़ाई करें, ये वाला काम करके दिखाना।